तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं खेलने वाला हूँ ईविल नन, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था, तो कहा तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रे नन को डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे मैं उसे प्ले करने वाला हूँ। तो फिलहाल में मैं यहाँ पे हमें कुछ सीन दिखाया जा रहा है कि जिसमें एक गाड़ी जा रही है और वो शायद मैं गाड़ी खुद ही चला रहा हूँ और वो गाड़ी स्कूल की तरफ जाएगी और गाड़ी कहीं पर आके शायद ये गाड़ी रुकी हुई है कि नहीं, अभी आगे थोड़ी देर जाएगी और अभी आगे और आगे गाड़ी जाने के बाद से गाड़ी यहाँ पे रुक चुकी है और गाड़ी रुकने के बाद दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से मैं आगे बढ़ता हूँ देखने के लिए स्कूल में। ओ तेरी भाई की, यहीं पर नन है, लेकिन पीछे भागने क्या फ़ायदा जब गाड़ी और दोस्तों ने धोखा दे दिया। जैसे मैं बाहर निकला तो आगे नन थी और पीछे गाड़ी गायब। तो यहाँ पर मेरा ट्यूटोरियल वहाँ का ख़त्म होता है और यहाँ पे मेरा डे वन स्टार्ट होता है इस वाले घर से, जो कि एक अच्छी बात है मेरे लिए। और यहाँ पे मुझ गेम के बारे में कुछ लर्न कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो मैं फटाफट से ये जो गेम बता रहा है मुझे वैसे वैसे करना है। तो पहले चारों तरफ देख के और मुझे जॉयस्टिक से इधर उधर घूमना है और घूमने के बाद से यहाँ पर उठना और बैठना है। तो पहले एक बार बैठ जाता हूँ और बैठ के उठ जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे गेम का पूरा लर्न हो चुका है। तो यहाँ से टैपलर को हटाते हैं यहाँ से और इसके नीचे से चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अगर इधर से नन आएगी तो थोड़ा भागने में मुझे चांस रहेगा। और ये दरवाज़ा तो लॉक ही है तो मैं खोल नहीं सकता। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी नन का फ़ोटो लगा है यहाँ पर, इनमें से वही एक नन होगी जो मर गई होगी और चुड़ैल बन चुकी है। तो फिलहाल के लिए दरवाज़ा तो ओपन होता है, तो पहले इसको फटाफट से बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मेरे काम लायक तो कुछ है नहीं, शायद एक चीज़ ये होगा, तो शायद ये मेरे छुपने के लिए है। तो फिलहाल के लिए इसमें छुपने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो इस दरवाजे को मैं खोल के और यहाँ से आगे जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी इस घर में मुझे कुछ नहीं पता है। तो इस घर का भ्रमण करूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ कहाँ पर है, क्या क्या ना क्या कहाँ पर नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कुछ जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर एक ट्रैप डोर है, तो इसको ट्रैप डोर को यहाँ से खोल दिया यहाँ पर पहली बार। तो और सामने शायद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और नन आ गई सामने से, पहले इसके अंदर फट से घुस जाता हूँ जल्दी से, नहीं तो मार देगी। अरे भाई, मतलब मैं अंदर घुस जाने के बाद भी झुक के मार दिया भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था कि मुझे वहाँ पे वो मार सकती है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर फिर से एक बार और आ चुका हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास दो दिन है, तो जिसमें से मैंने एक दिन को तो खो दिया है और दूसरा दिन बचा है। तो पहले ये दरवाज़ा खोलता हूँ और यहाँ से मुझे नन घसीटते हुए फिर से उस कमरे तक छोड़ के चली गई थी। तो पहले इस दरवाजे को तो मैं खोलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि फ़िलहाल में वो तो मुझे एक ही कमरा लग रहा था और मैं शायद वहीं पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं पहले था, शायद ये वाली जगह नहीं है। और ये दरवाज़ा भी लॉक्ड ही है, खुल नहीं सकता। और हाँ, ये वही दरवाज़ा है जहाँ पर मैं मरा था और मेरे पीछे वही दरवाज़ा है। और ये बुक है, शायद मैं इस बुक को उठा नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं है। और ये दरवाज़ा तो पहले से ही लॉक था, उसको दोबारा चेक करने के क्या फ़ायदा, ये भी दरवाज़ा लॉक ही है। और मुझे फिर भी डर लग रहा है कि अगर नन कहीं से आ जाएगी तो क्या करूँगा मैं। तो कोई बात नहीं, ये दरवाज़ा खुल जा भाई, और ये दरवाज़ा भी आसानी से खुल गया मेरे लिए। तो और फिलहाल के लिए थोड़ी बहुत मुझे जगह, और यहाँ पर नन आ गई फिर से, मुझे फटाफट से यहाँ से कैसे भी करके भागना होगा, नहीं तो वो मुझे मार देगी। अरे भाई, कैसे भी करके जल्दी जल्दी भाग चल भाई इधर से उधर। तो शायद वो मेरे पीछे फ़िलहाल के लिए अभी तो नहीं है। ये खुल जा भाई, तो खुल जा जल्दी जल्दी। और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, अगर नन मुझे यहाँ पे पकड़ लेगी, या वैसे तो यहाँ पे पकड़ सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे छुपने के लिए सही है मेरे लिए। और शायद मैं यहाँ से, अगर वो यहाँ से अंदर आएगी तो मैं कैसे निकलूँगा भाई, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकता और पीछे से ननी आएगी, और वो ग्रैनी तो है नहीं कि मतलब कि वहीं पर रुक जाएगी, वो इसके अंदर तो नीचे से आ भी सकती है जा करके। तो कोई बात नहीं है, मैं पहले नीचे चेक कर लेता हूँ, ऊपर भी एक पंखा है जिसका मुझे कोई मतलब नहीं बनता इस गेम के लिए फ़िलहाल के लिए। तो लेकिन मैं वहाँ से निकल चुका हूँ फिर से, और एक बार दोनों तरफ देख लेता हूँ किधर से आ सकती है। तो उसको छोड़ते हैं पहले, और पहले इस घर का भ्रमण कर लूँगा ना, तो थोड़ा मुझे पता चलेगा, तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा इसका। तो फ़िलहाल के लिए मैं पहले, मुझे इस घर को पहचानना ज़रूरी होगा कि किधर से आ सकता हूँ, किधर से जाना है और किधर से रास्ता क्या है। तो फिलहाल के लिए दरवाज़ा तो लॉक है, इसको तो मैं खोल नहीं सकता, और मुझे आगे ही चलना पड़ेगा। यहाँ तक तो मुझे सब कुछ क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे मैं पहले ही गया था अभी थोड़ी देर पहले ही। और यहाँ पे एक फ़ोटो है जो गिर गई है,
और शायद नन यहाँ पे आ सकती है मेरे ख्याल से, और नन वो आ चुकी है, और वो भाई बैठ के ब्रेंच के नीचे बैठ के वो आ रही है, बेंच के नीचे बैठ के, मतलब सो के। अरे भाई साहब, मतलब गेम तो गेम है भाई, अगर भाई सच बता रहा हूँ, अगर मैं ये गेम खेल रहा हूँ इस टाइम ना तो मुझे खुद पता चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं बोल तो बाद में रहा हूँ, जब मैं खेल रहा था तो मुझे कैसा पता फील हो रहा था वो जो खेलेगा बंदा उसी को पता चलेगा। तो फ़िलहाल के लिए वो तो शायद चली गई है यहाँ से, तो यहाँ से मैं फिर से, यही एक रास्ता ही है मुझे यहाँ से जाने के लिए, तो पहले दरवाजे को खोलते हैं। और यहाँ पे तो नन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के लिए बैठने के लिए यहाँ पे, ओ भाई सामने ही आ गई, और भाई पीछे भाग जा। अरे भाई साहब पीछे बेंच आ गया था जिसके चलते मैं फिर से मर गया एक बार और। अरे यार मतलब सच बता रहा हूँ, कैसे मर रहा हूँ मुझे खुद नहीं, मतलब पता तो चल रहा है लेकिन। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, मैं इस गेम को आगे कंटिन्यू करूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा पहला गेम है, आप लोगों को विश्वास ना हो तो। तो यहाँ पे मेरा लास्ट डे है, तो फ़िलहाल के लिए मैं फिर से वही रास्ता फॉलो करूंगा, नहीं फ़िलहाल के लिए अभी तो, अभी यहाँ से मैं दूसरा शॉर्टकट रास्ता यूज़ करूंगा, ये लॉक है पहले तो। तो यहाँ से आगे निकलते हैं, और शायद मैं वहीं पर आ गया जहाँ पहले कुछ देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले था जहाँ पर, और शायद कहीं से नन आ रही है, मुझे ऐसा लग क्यों रहा है भाई। थोड़ा पीछे हट के देख लेता हूँ कि अगर इस रास्ते से आएगी तो इधर से भाग जाऊँगा, और इधर से आएगी तो क्या होगा भाई। अरे भाई साहब मतलब पापा का फ़ोन भी आ गया, तो कोई बात नहीं है, फ़िलहाल के लिए पापा का फ़ोन अभी थोड़ी देर के लिए नहीं उठाएंगे, तो कोई बात नहीं है, अभी अभी थोड़ी देर के बाद मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। तो पहले गेम को आगे कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे तो शायद अभी नन यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रही है, और वो सामने से आ गई, अब वो सामने से आ गई, शायद मैं इस बार बच नहीं सकता, अब इस बार मैं बचूँगा नहीं तो। अरे भाई किधर से शॉर्टकट लेकर आई भाई, अभी मैं इधर देख रहा था, एकदम इधर से कैसे आ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है, अगर आप लोगों को वीडियो ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये मेरा पहला गेम था।